अगर आपको एक सप्ताह से अधिक समय तक जुकाम है तो इसे हल्के में कतई न लें। इसकी वजह से मरीजों के कान के पर्दे फट जा रहे हैं। ऐसे मरीजों के कान में तेजी से मवाद बन रहा है जो उनके सुनने वाली ग्रंथियों को संक्रमित कर रहा है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज के ENT विभाग में 40 से 50% मरीज इस समस्या से पीड़ित आ रहे हैं। आइए जानते हैं डॉक्टर ऐसे मरीजों की क्या सलाह दे रहे हैं। देखिए, जाड़े के मौसम है और इसमें तो सर्दी जुकाम बहुत कॉमन है, खास तौर से बच्चों के लिए। सर्दी जुकाम से जो आप कह रहे हैं कि एक हफ्ते में कान फट जाता है, कान का फटने का मतलब है कि कान का चदरा जो होता है, फर्दा है, उससे फटने का मतलब होता है। तो एक सप्ताह में अगर उसको नहीं रोका गया, नहीं कंडक्ट हुआ, नहीं अगर वो ट्रीटमेंट किया गया या उसको निगलेक्ट कर दिया गया, तो एक हफ्ता का 2 से 3 दिन में भी फट जाता है, एक हफ्ता में फट जाता है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि एक सप्ताह में ही फटे, लेकिन ये बहुत कॉमन चीज़ है, खास तौर से बच्चों के लिए। मैं तो माताओं बहनों को ये कहूँगा कि देखिए, कान का चदरा एकदम से नहीं फटता है। जैसे ही सर्दी जुकाम होता है, नाक से पानी आता है, छींकता है, कोई बड़ा भी है, कोई बच्चा भी है, किसी के लिए भी बता रहा हूँ, तो सबसे पहले कान में बलगम चला जाता है। एक नली होती है जिसको स्टुकेन ट्यूब हम लोग मेडिकल भाषा में बोलते हैं, वो गले में नाक के पीछे दोनों तरफ से आकर के मिलती है। तो गला हमारा क्या है, तिराहा है, यहाँ से नाक भी जुड़ता है, गला भी जुड़ता है, दोनों कान भी जुड़ते हैं। और वहाँ पे अगर सर्दी जुकाम का बलगम अगर आ गया, तब अक्सर हम लोग देखते हैं जैसे सर्दी जुकाम होता है ना, तो आदमी नोज ब्लो बहुत फोर्सफुली करने लगता है, बहुत कस के नाक छींकेगा, बस उसी में जा करके खकारेगा, थूकेगा, खांसी भी रहती है। ऐसे में वो बलगम इतना प्रेशर जनरेट होता है गले में कि वो बलगम उल्टी डायरेक्शन में वो कान में पहुंच जाता है, उसी नली के द्वारा जो मैंने जिसको स्टुकेन ट्यूब मैंने कहा। और जैसे ही वो कान में बलगम जाता है तो वो एक ऐसा एंटीसेप्टिक जोन है जहाँ पे वो पहुँचता है और उसको इन्फेक्ट करने लगता है। तो तुरंत ऐसा नहीं होगा कि कान फट ही गया, पहले वो बलगम पहुँचेगा, इन्फेक्शन होगा, तो कान आपका सबसे पहले कान भारी लगने लगेगा। भारी लगने के बाद फिर अगर वो कान को और थोड़ा समय बीतेगा, नहीं ट्रीटमेंट होगा, तो इन्फेक्ट होगा, फिर मवाद बनेगा, फिर मवाद बनने लगेगा, तो जैसे ही मवाद बनेगा तो कान में दर्द भी होगा और बुखार भी आ जाएगा, ये भी हल्की फुल्की बुखार भी आ जाती है। उसके बाद भी अगर आप निगलेक्ट करते हैं तब जाकर के वो चदरा या पर्दा जो कहते हैं तब जाकर फटता है, और फटने के बाद सबसे पहले थोड़ा ब्लडिश डिस्चार्ज आता है, ब्लड मिक्स डिस्चार्ज पस आएगा, और फिर उसके बाद फ्रैंक पस आने लगता है। और बड़ी ताजुब की बात है कि जैसे ही कान बहने लगता है तो उसका प्रेशर कम हो जाता है, और प्रेशर कम होने की वजह से वो कान का दर्द गायब हो जाता है, लेकिन कान तो बहने लगता है। ये तो ये सबसे जरूरी है कि खास तौर से बच्चों में, कि जैसे बच्चा अगर आपका रोता है, कान में बार बार उंगली ले जाएगा या ऐसे मारेगा कान को, भाई बच्चा छोटा सा बच्चा है, 4-6 महीने का 8 महीने का, वो बता नहीं पाएगा, तो वो संकेत देता है अपने माँ बाप को, हमेशा बार बार वो ले जाएगा, कान के पास ले जाएगा या कुछ कान खींचेगा, तो पेरेंट्स थोड़ा सा एजुकेटेड पेरेंट्स हैं, वो समझ जाते हैं कि हो ना हो कि इस कान में ही कोई तकलीफ है। तो उसी समय उसको, बच्चे को, डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए, राय लेना चाहिए, बजाय कि कान उसका बहने लगे और तब हम डॉक्टर के पास चले। बड़ी ताजुब की बात है कि असर बच्चा जब रोता है ना, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, तुरंत जाकर के पीडियाट्रिशियन को, बच्चों के डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और मैं कहने में कोई हिचक नहीं कि बहुत सारे जो बच्चों के डॉक्टर हैं वो पेट दर्द की दवा देंगे, बुखार की दवा देंगे, और उनका कान पे ध्यान नहीं आता है कि वाकई में ये जो बुखार और रो रहा है बच्चा, वो कान के वजह से हो रहा है कि पेट के वजह से हो रहा है। और वो दवा लेके आ जाता है, दूसरे तीसरे दिन कान बहता है, तब वो बहने के बाद वो फिर हमारे पास आता है। सर, कितने परसेंट केसेस पाए गए हैं जिनका कान पर्दा फट रहा है? अब मेरे ख्याल से इस सबसे ज्यादा केस इस जाड़े के मौसम में इसी कान के ही दर्द के आ रहे हैं, और उसका मेन ओरिजिन है सर्दी जुकाम बुखार, यही कारण है। तो अगर हमारे पास, अगर एक ओपीडी में, अगर हम मान लीजिए, अगर हमने अपने मेडिकल कॉलेज में, अगर हम इस तरह के, अगर हमारे पास 20 बच्चे आ रहे हैं, तो 20 में समझ लीजिए कि 8-10 बच्चों का तो मैंने बाहर के ही आता है, और 8-10 बच्चे जो एजुकेटेड होते हैं वो पहले ही आ जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 40-50% फट के ही आता है। तो फटता है, बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं होती है, लेकिन फिर वो नेचुरल हीलिंग की वजह से, ट्रीटमेंट की वजह से वो भर भी जाता है, और कुछ जो नहीं भरता है वो कान बहने लगता है। तो रिपीटेड बार बार जिसका कान बहता है उसी का पर्दा फटा रह जाता है, और भविष्य में उसको नया पर्दा ऑपरेशन के द्वारा लगाना पड़ता है। सर,